हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, मैं अभी जो है ना अपने एक फ्रेंड के घर पे आया हूँ जिसका नाम है वैभव पांडे। और काफ़ी दिन हो गए हम लोग की जो है मुलाकात नहीं हुई थी, और आज जो है हमने पूरा मतलब 100% अपना मूड बना के ये मैं आया हूँ कि आज मैं इससे गाना सुनूंगा जरूर। ये गाना बहुत अच्छा गाता है, ठीक है। तो इसीलिए आज जो है मैंने बहुत अच्छा मतलब एक दिन निकाला, मैंने कहा कि आज मेरे पास टाइम है, चलो भाई आज हम आपसे मिलते हैं। तो इसने मुझे कॉल करके बुलाया है और मैं प्रेजेंट में इसके घर के बाहर में पहुंच चुका हूं। अभी से नहीं पता कि मैं यहां पहुंच गया हूं, ठीक है। अब मैं चुपके से जाता हूं, देखता हूं ये कर क्या रहा है, ठीक। वैसे ये यहां पे प्रेजेंट में जो है अकेले रह रहा है, ये कहां पे है कैसा है वो मैं आपको सब पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा। तो चलिए, और आप लोग जो है हमारे इस व्लॉग में जो है बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से ये मतलब गाने वगैरह कैसे गाता है, सारी चीज़ें मतलब हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। सो गाइज, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो है अपने फ़ोन से जो है डुअल वीडियो ऑन कर लिया है, ठीक। आपको दिख रहा होगा ये पीछे का सीन कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैं यहाँ देखो ये जो थोड़ा सा दिख रहा है ना इस तरीके का, तो ये मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ ये कर क्या रहा है। अरे 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 देख रहे हो, ये आ गया है। अच्छा, वीडियो चालू। तो भाई देखो, ये देखो यहाँ पे बैठे हुए। अरे क्या सरप्राइज दिए भाई। हाँ, और बता, सब मस्त? बढ़िया, बैठो। ठीक है, वीडियो चालू है। वीडियो चालू है। वीडियो चालू है। अच्छा, चलो तो वीडियो का उस करो यार, थोड़ा सा हम उससे भी आवाज में बातचीत करा जाए, क्या हाल चाल यार। चलो ठीक है। तो भाई देखो, फाइनली ही मेरे साथ है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। भैया क्या हाल चाल, पहले बताओ। मस्त है, अपना बताओ। काफी दिनों बाद जो है हम लोग जो है मिले हुए हैं, काफी दिन हो गए, ठीक। हालांकि कुछ दिन पहले मिले थे, लेकिन फिर भी गाना मेन चीज़ था ये ना कि जब मिले थे तो उस वक्त जो है पब्लिक प्लेस में थे, तो बेचारा गा नहीं पाया था। तो मैंने कहा आज पूरे 100% मूड में थे कि आज ये गाना मुझे सुनाएगा जरूर। तो यहाँ गाना सुनने आए हो? अब नहीं। देखो भाई, मैं अच्छा तभी मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ और सब देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। यस 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 भैया, इनका मैसेज आया था मेरे पास। ये बोल रहे थे कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं चमत्कारी हूँ, मैं बता सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप पता चला है। मैं जब आया हूँ ना तो इनको बिल्कुल मतलब खबर नहीं थी। अभी जैसे कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि मैं इनके घर पे हूँ, लेकिन इनको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ। देख रहे हो किस तरीके से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं अपनी कुटिया में, देख रहे हैं। ये देखो, ये मेरा है कुटिया, मैं यहीं सोता हूँ, देख लीजिए, यहीं पढ़ता हूँ, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन यार क्या सरप्राइज दिया है भाई। सो दोस्तों, जो है चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो चुका है, एकदम पेट वेट भर चुका है, ठीक है। अच्छी खातिरदारी उन्होंने की है, और अब बारी आती है इनसे लड़ाई झगड़ा करने की। अब लड़ाई झगड़े में क्या, ये तो अब करना क्या है। गाना सुनाएंगे ये। चल भाई शुरू कर अपना गाना बजाना। अच्छा चलो, तो कैसे हैं आप लोग भैया? बहुत दिन हो गया था अल्फराज से मिले नहीं थे, आए हैं ये, और बहुत दिन हो गया था। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे सुनना चाहते हैं, उन लोगों से मैं काफ़ी दूर भी हूँ, और बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ ले आऊँ उन लोगों के लिए लाइव, थोड़ा सा दो ही मिनट के लिए। तो अल्फराज भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं, और इन्हीं के ज़रिए मैं थोड़ा सा लोगों को जो मुझे पसंद करते, जो मुझे प्यार करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, दो गाना, और वो सुन लेंगे, और अगर जो अप्रिशिएट करेंगे या उसके लिए कमेंट कर देंगे तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मैं और भी आगे सिर्फ थोड़ी बहुत वीडियोस बनाता रहूँगा। ये कोई मुझे फेम नहीं चाहिए, एक छोटा सा सिर्फ एक प्रेम है, एक प्यार है जो आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ। सुनिए। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है, इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। हो लाखों मिले, कोई भी ना तुमसा मिला, हो मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया, ना रुका मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा,
आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले मेरे यारा, मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। अच्छा एक और गाना है भैया, ठीक था? अरे यार ऑसम, चलो ठीक है। अरिजीत सिंह के टू कॉपी। अच्छा एक चीज लगता है कि हाँ, मतलब जैसे ऐसा मतलब फील हो रहा है कि अरिजीत सिंह सर जो हैं वो बिल्कुल हमारे सामने बैठे हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट में जो है जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। अच्छा एक गाना है जो मेरे काफी फेवरेट है और शायद अल्फराज का भी फेवरेट है, गाना है आशिकी आ गई करके। अरे हाँ बहुत अच्छा है, राधेश्याम का। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो उसको मैं गाऊंगा थोड़ा सा, सुनिएगा। घर से थे चले तो ये बात हो गई, घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरे ऐसे वो टकरा गए के हमें आशिकी आ गई के हमें आशिकी आ गई। बड़ी दीवानी सी रात थी, हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वो जुल्फे, उन्होंने थाम जुली के जुल्फे, ऐसे वो बिखरा गई के हमें आशिकी आ गई के हमें आशिकी आ गई। घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरे ऐसे वो टकरा गई के हमें आशिकी आ गई के हमें आशिकी आ गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और धन्यवाद बहुत भाई, बहुत बढ़िया गाया यार। ये एक छोटा सा मैसेज था मेरे लिए और वो लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरा गाना सुनते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, एक छोटा सा मैसेज है। और बहुत दिन हो गया था अल्फराज से मिले नहीं थे, बहुत दिन हो गया था, अब बहुत सारी दिल की बातें थी जो मुझे कहनी थी, तो ये एक मेरा भाई है तो इन्हीं से मैं सब कुछ कह पाता हूँ और ये मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब हैं। तो आज ये अचानक से आ गए, मतलब आई एम सो सरप्राइज। तो मैंने सोचा भैया चलो बा ही गए हैं तो थोड़ा सा एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए भेज दूं। और हाँ तब तक के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई हाँ ये ठीक है गाइस, अब हम लोग जो है मिलते हैं एक अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।